चलो हाँ मोड़ का बटन दबाए पहली बारी में, प्लस से जाना है नीचे 6 नंबर पे, डायग्नोस्टिक सेट का बटन दबाए अंदर चले गए। अब आ रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, रीड फॉल्ट, क्लियर फॉल्ट, सेल्फ टेस्ट। हमारे को क्या करना है, गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट आया देखना है। तो 1 नंबर पे जैसे ही आ गया, गड़बड़ नहीं करते हुए 1 नंबर को सेट का बटन दबाते हुए अंदर जाना है। एक बार दबाया, फिर और एक बार वापस से दबाया 1 नंबर वाले को। अभी जो भी फॉल्ट कोड है यहाँ पे ये दिखा देगा क्या है यहाँ पे, इसकी फ़ोटो ले लेना है और तुरंत ही हमें भेज देना है। ये है, देख लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये बैग ले लिए, और एक बार बैग आ गए। अब जाना है क्लियर फॉल्ट में, यहाँ पे गए, प्लस का बटन दबा करके 2 नंबर पे ले लिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एंटर करते ही पासवर्ड आएगा, हो गया जा रहा हूँ। पासवर्ड जैसे ही आएगा यहाँ पे अपने को डालना है 4 3 2, सेट दबाया, फिर आगे लिया 1। अभी गिनती कैसे डालना है, इससे डालना है प्लस वाले बटन से। जैसे ही 4 डाला, फिर एक बार सेट दबाना है, आगे लेना है। फिर 3 डाला इससे, फिर सेट दबा करके आगे लेना है। प्लस से गिनती डालना है, सेट से आगे लेना है। ये आगे ले लिए, फिर उसके बाद जो है इंटर कर दिया उसको सेट दबा करके। पासवर्ड वेरीफाई सक्सेसफुल बोल के आ गया। अब EMS के अंदर चले गए। अब हमारे को दबाना है सेट, प्लीज़ वेट, क्लियर कर रहा है वो, ऑपरेशन कंप्लीटेड, क्लियर हो गया। अभी आप जाएंगे वापस से 1 नंबर में, तो आप देखेंगे यहाँ पे DTC कोई भी नहीं है, मतलब कि जो एरर था वो क्लियर हो चुका है, जिसे वायरस कहते हैं वो क्लियर हो चुका है। तो अभी DTC कोई नहीं है। अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको देख लेना है, पहले ये जो है बैक का बटन दबा देना है। एक का बटन दबा लिया, थोड़ा सा चाबी बंद कर दो, बंद करके चाबी चालू कर देना है वापस से। चाबी चालू कर लिया वापस से, अभी आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज था, हमने परसेंटेज को पिछले वीडियो में 0 किया था। ये परसेंटेज मतलब ड्राइवर को कितना सही परसेंट चला रहा है ड्राइवर, और यहाँ पे 2 थम्स बताएगा, वो 2 थम्स को देखना है कितना सही चला रहा है। उसका जो 2 अंगूठे आएगा यहाँ पे, उसका परसेंटेज यहाँ पे बताएगा। आपको यदि एवरेज देखना है तो ये माइनस का बटन दबाना है। यहाँ पे लिख के आ रहा है हल्का सा, थोड़ा सा नीचे करो, EVGA मतलब एवरेज, ट्रिप ए का एवरेज है ये। जैसे ही आप ये बटन वापस से दबाएंगे ये चेंज हो जाएगा, ट्रिप बी का एवरेज है ये। ट्रिप बी बता रहा है, ट्रिप ए बता रहा है कि ट्रिप ए में ODO मतलब किलोमीटर रीडिंग है, और ये ट्रिप हॉर्स है, कितने घंटे गाड़ी चल रही है उसका ट्रिप है। ये AVGB मतलब ट्रिप बी का है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, किलोमीटर कितना चला, एवरेज कितना आया, ये ओडोमीटर रीडिंग हो गया। ओडोमीटर रीडिंग पर वापस से आ गए, खत्म। अभी आपको गाड़ी चला करके देख लेना है।